सोलन नगर परिषद को नगर निगम बनाने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। नगर निगम को लेकर गान वासियों ने बगावती सुर भी दिखा दिए हैं और उनका कहना है कि वे किसी भी हालत में अपने गांव की जमीन का टुकड़ा भी नगर निगम में शामिल नहीं होने देंगे। अब सोलन शहरी कांग्रेस के अध्यक्ष अंकुश सूद भी गांव के समर्थन में आ गए हैं। अंकुश सूद का कहना है कि नगर निगम बनाने के लिए गनवासियों की जमीन लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रदेश सरकार ने न जाने क्यों और किसके कहने पर गांव को सोलन नगर निगम में शामिल करने पर उतारू है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार गाँव को नगर निगम में शामिल करेगी तो शहरी कांग्रेस और किसानों के साथ मिलकर इसका विरोध करेगी। सोलन शहरी कांग्रेस के अध्यक्ष अंकुश सूद ने कहा कि भाजपा की गुटबाजी का असर सोलन नगर परिषद में देखने को पहले ही मिल चुका है। वहीं अब इस गुटबाजी का असर सोलन नगर निगम के मुद्दे पर भी दिख रहा है। कुछ भाजपा कार्यकर्ता चाहते हैं कि नगर निगम में गाँव को शामिल किया जाए, तो कुछ इसका विरोध करते भी देखे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि नगर निगम का यह मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। उन्होंने कहा कि एक तरफ सोलन के वरिष्ठ भाजपा नेता राजेश कश्यप नगर निगम को लेकर दोहरी राजनीति का खेल खेल रहे हैं, जो कि उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि गांववासी नगर निगम का विरोध जब भी आरंभ करेंगे, शहरी कांग्रेस उसका पूरा समर्थन करेगी। भाजपा की गुटबाजी सोलन के विकास के ऊपर बहुत ही जो है वो हैवी हो रही है, चाहे वो व्यापार मंडल में हो, चाहे वो नगर परिषद सोलन में हो। और अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नगर निगम का मुद्दा भी कहीं ये गुटबाजी की भेंट ना चढ़ जाए और सोलन नगर निगम बनता बनता रह जाए, क्योंकि अब आप जबरदस्ती जो है वो गाँव वालों की ज़मीनें ले रहे हैं। हालाँकि हिमाचल सरकार ने 50,000 से 40,000 का भी कुछ किया था, तो 39,000 कुछ 40,000 हम कागजों में भी हैं। तो आप क्यों गांव वालों को तंग कर रहे हैं और क्यों उनकी ज़मीनें जो हैं वो आप लेना चाह रहे हैं? एक टीवी शो में राजेश कश्यप जी कह रहे थे गांव की एक इंच भी ज़मीन नहीं जाएगी, तो क्यों आप फिर कहते हैं कि जिन जगहों का शहरीकरण हो चुका है उन्हें ले लिया जाएगा? और अगर उन्हें लेना है तो फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि एक इंच भी ज़मीन जो है गाँव वालों की नहीं जाएगी? तो आपके अपने ही जो शब्द हैं उन्हीं में जो आप फंसे हुए हैं। और भाजपा की गुटबाजी की वजह से मुझे लगता है कि सोलन नगर निगम का मुद्दा भी कहीं ठंडा ना पड़ जाए। और आप देखना, कल से ही जो है बहुत ज़्यादा विरोध हमारे यहाँ रहेगा और हम हर अपने गांव वाले भाई के साथ खड़े हैं, क्योंकि उनकी शामलाते हैं, उनकी चारवाह है, कई चीज़ें हैं जिनके उनके कई मुद्दे हैं जिसको सरकार उनको संतुष्ट नहीं कर पा रही है। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन रहेगा कि जब हमारी शहरों की संख्या पूरी है, हम अपने शहरों के अंदर ही नगर निगम बना सकते हैं, तो क्यों जो है प्रकृति के साथ और गाँव के साथ छेड़छाड़ की जाए और क्यों ना शहर के अंदर जो आबादी पूरी है उसी पर नगर निगम बना दिया जाए।